इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिथिला में रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः काल गुरुदेव भगवान शतानंद जी से मिथिलापति ने मंत्रणा की, कहा महाराज राजपुत्रों को ऋषि देव को लेकर के आए, हम तब तक चल के स्वयंवर भाव देखते हैं कैसा कैसी रचना। मिथिलापति तो स्वयंवर स्थल के निरीक्षण में चले गए, क्योंकि श्रेष्ठ को एक बार श्रेष्ठतम व्यवस्था का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए, जिससे कुछ शेष न रह जाए, कोई कमी न रह जाए। और कमी रह जाएगी तो फिर बाद में पीड़ा होती है, इसलिए एक बार निरीक्षण किसी भी कार्य का अवश्य कर लेना चाहिए, उससे मन को तोष होता है। तो मिथिलापति भैया जी के साथ सचिवों को लेकर सब व्यवस्था का समाध करने लगे, जो जिस योग्य उसको वैसी बैठने की व्यवस्था हो। यही व्यवहार है, महात्मा लोग ऊपर बैठेंगे, सम्मानित लोग इधर सम्मुख बैठेंगे, यजमान लोग आगे बैठेंगे, जो कुर्सी पर नीचे नहीं बैठ सकता है वो कुर्सी पर बैठेंगे, जो नीचे बैठ सकता है वो कुर्सी पर नहीं बैठेगा। ये व्यवहार व्यवस्था है, इसमें को बड़ छोट कहत अपराध कठिन है। मिथिलापति ने सब संहार कराया, सतानंद जी महाराज गुरुदेव भगवान राम लक्ष्मण मुनिगणों को लेकर के आए। मिथिलेश ने बढ़कर स्वागत किया, सम्मान किया, और हर व्यक्ति अपने किए हुए को कैसा हुआ है ऐसा जानना चाहता है। जनकराज महाराज ने आदर दिया, सारी रचना का दर्शन कराया और पूछा, हे ऋषिवर कैसी व्यवस्था है? कोई पूछे तो वहां अन्वेषक बनकर आलोचक बनकर उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसने व्यवस्था की है वो जानता है कैसी कठिनाई भई सब करने में, बड़ा कठिन है, उसकी कैसी भी व्यवस्था की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन सावधान, प्रशंसा एक बार करनी चाहिए, कई बार प्रशंसा मने निंदा, वो जब मिले तब कहे बहुत अच्छी व्यवस्था है तो वो समझ जाएगा ये चिढ़ा रहा है। कई बार नहीं कहना चाहिए, वाह क्या व्यवस्था थी, फिर लेके दौड़ाएगा डंडा। एक बार कह दिया, गुरुदेव ने क्या कहा, भली रचना मुनि नृप सन कहे वो राजा मुहित महासुखद। महाराज प्रसन्न हो गए, वाह महाराज। अब यहां दर्शन करिए, सब जो जैसा था जैसी जिसकी बैठने की स्थिति थी उसको वैसा वैसा आसन दिया गया, लेकिन सभी आसनों से भी ऊंचा एक आसन, क्या कहे उसको, मंच बनाया गया था। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद मुनि समेत दो बंधुत बैठा रे नहीं पा। सभी मंचों से ऊंचा एक मंच, क्यों? तीन कारण। एक तो विश्वामित्र जी महाराज क्षत्रिय वंशी हैं, उनका सम्मान होना चाहिए,
इसलिए उनका मंच उच्च लगाया गया। दूसरे श्री चक्रवर्ती जी महाराज, धर्म चक्रवर्ती, धर्म दुरंधर, इक्ष्वाक वंश के शासक श्री दशरथ जी महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र और अनुज मुनि जी के संग में आए हैं। तो चक्रवर्ती महाराज के पुत्र संग में हैं, इसलिए इनकी व्यवस्था बड़ी विशद करनी होगी। कहे आपको वर्तमान में उतारते हैं, देखिए वो तो त्रेता की कथा है। सात आठ वर्ष पहले हम लोग जब किसी देश में किसी सम्मेलन में जाते थे, हम लोग माने भारत के प्रतिनिधि, तो हमारा प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, डेलीगेशन हो, सब लोग साइड में खड़े होते थे। आज जब हमारा प्रतिनिधिमंडल जाता है तो सबसे बीच में वही खड़ा होता है। अगल बगल सब खड़े होते हैं, लेकिन हमारा जो प्रतिनिधि है भारत का, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, वो बीच में खड़ा होता। सब यही सोचते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री आवे तो थोड़ा हम भी हाथ मिलावे, हम बगल में खड़े होके फोटो खिंचावे। ये हमारी जीवंतता और हमारे आत्मविश्वास का परिणाम, अरे सृष्टि नहीं ब्रह्मांड स्वीकार करता है, जिसमें पौरुष होता है, प्रकृति प्रवृत्ति मनुष्य सब उसी का सम्मान करते हैं। ऐसा जीवन रखना चाहिए। श्लोक बार बार आता है, यत जीवते क्षणमपि प्रथितम मनुष्य विज्ञान शौर विभवाद गुण समेतम तन्नाम जीवितमि प्रवदन्ति संतः। उन्हीं का जीना जीना है, रो रोकृत स्यार भी जी लेते हैं। जहां भी रहिए, जिस गली मोहल्ले में रहिए, सदाचार के साथ रहिए, समझौता करके नहीं, अपनी वीरत्व का दर्शन करा के रही, भीगी बिल्ली बन के नहीं रहना चाहिए, सिंह की तरह रहना चाहिए। सिंह ठवनी, ये मेरे प्रभु दूसरा कारण। तीसरा कारण, इतने राजा आए होंगे, मिथिलापति का मन किसी ने करशा नहीं, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण प्रभु को देखे, पूछ बैठे इनहीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस सुखही मन त्यागा। बरबस हमारे मन ने ब्रह्म चिंतन त्याग कर और इनमें अनुराग पा लिया, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछता हूं, बताइए कौन है? क्या बताए? रघुकुल मनी दशरथ के जाए मम हित लाग नरेश पठाए। ये दोनों जो हैं राजकुमार दशरथ के जाए, चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं। तीसरा कारण अंतस्थ है, मिथिलापति जान गए, भांप गए कि ये कौन है। देखिए क्षमा करिएगा, कई लोग बोलते होंगे आप में, हम भी भगत हैं, इसका मतलब हम भगत नहीं है, हम ड्रामेटिक व्यक्ति। भगत कहता नहीं है, भगत रहता है। भक्ति रोम छिद्रों से, विभीषण जी ने कोई परिचय दिया हनुमान जी से, मैं भी भगत हूं, वो तो कहते जिम दसन निमहु जीम ही विचारी, साधन नाई। प्रभु से कहते हैं अरे तामस तन कछु साधन नाई, ये मेरा स्वभाव है, मेरा भाव है। परंतु हनुमान जी क्या कहते हैं, अरे यहां कहां सज्जन करवासा, मनमहु
तर्क करें कपिलागाते ही समय विभीषण साधु कौन राम राम ते ही समय। देखिए साधु के यहां जाकर कुछ बताना नहीं पड़ता है, साधु बताता नहीं है। गरुड़ जी महाराज भुसुंडी बाबा के यहां पहुंचे, भुसुंडी जी ने सम्मान किया, करी पूजा समेत अनुराग मधुर वचन तब बोले उकारा नाथ कृतार्थ भयव मैं तब दर्शन खगरा आय सुदेहु सुकर मुअब प्रभु आय के का सुनहुतात। सरल रखिए, सुनहुतात जेहि कारण आयो सो सब भयउ दरस तव पायो। ये साधुता है, साधु से मिलने के लिए गए आप तो कुछ प्रश्न नहीं रखना, क्यों साधु का जीवन साधुता का जीवन होता है, साधुता का प्रवचन नहीं होता है। कहते सुनहु तात जेहि कारण आयउ सो सब भयउ दरस तब पायउ देखि परम पावन तब आश्रम गयउ मोह संशय नाना भ्रम। सब दूर हो गया, क्यों ये जीवन है मतिय कुंठ हरि भगति अखंडा। ये भुसुंडी बाबा का जीवन है, मेरे राम जी के वीर भाव का दर्शन करके, वीरत्व का दर्शन करके, और मिथिलापति गदगद हो गए हैं, इसलिए उनकी करनी समझकर मखरा खेव सब साखी जग जिते असुर संग्राम। अरे ये इनका जीवन है, इन्होंने यज्ञ रक्षा किया, असुरों पर जय प्राप्त किया और जितने असुर आते गए सबको समाप्त कर देगा। महाराज क्या कहें, बहुत तो क्या कहें, आप पूछ लीजिए किससे, शतानंद जी महाराज से, इनकी माता जी का इन्होंने उद्धार किया राम जी ने। हाय हाय संकोच भया, गुरुदेव भगवान बहुत विनोद करते हैं इस पर। मग मुनि वधु उधा, ये वीरत्व है मेरे सरकार का, श्री राघव जी का ये वीरत्व है। और जब आप किसी के ऐश्वर्य से परिचित होते हैं तो उसको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, उसका उसी भांति सम्मान रखना पड़ता है। उसी भांति सम्मान मिथिलापति मेरे राम प्रभु का, लक्ष्मण जी का उसी भांति सम्मान करते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।